यार जो ये अपना जो मैटर चल रहा है टीओडी को लेके, 4 साल की भर्ती को, अपने एग्जाम को लेकर, तो यार इस पे लेके कुछ बात करना चाहूँगा। मैंने कहा था कल अपनी वीडियो के अंदर कि मैं कल सुबह एक वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो उसके पर्पज़ पे मैं एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो वीडियो के तो आप तो पूरी लास्ट तक देखना, ठीक है। मेरी जो भी बातें रहे, अगर आपको सेटिस्फाई होते हो उन सारी बातों से, तो ठीक है। आप मैं अपना व्हाट्सएप नंबर है जो आपको डिस्क्रिप्शन में कर दे दूंगा, आप अपनी अपनी एक राय 15-15 सेकंड की छोटी छोटी क्लिप बना के अपनी अपनी राय मुझे सेंड करें, मैं अपने बताऊंगा, ठीक है। जो भी है, अब रुकने का नहीं है। कुल मिला के अब अगर रुके तो जो इंसाफ वाली बात है वो ख़त्म हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। पहली चीज़, मैं सरकार से कुछ जो ये इन्होंने नियम जारी किए, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ इनसे। पहला बात क्या कि आपको तो लगता है ये 4 साल का जो अभी ये है टीओडी वगैरह अग्निपथ सेवा वगैरह ये लागू करके क्या चाहते हैं कि 4 साल में आप एक जवान तैयार कर दोगे? मतलब जिस मतलब एक जवान तैयार होने के लिए आपको खुद को मालूम है, आप खुद एक चीफ हो, आपको खुद को अनुभव है इतना, फिर भी उसके बावजूद आप ये सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ जानने के बाद भी 4 साल में कोई सिविलियन को आप जो है सोल्जर नहीं बना सकते, ये फिक्स फिक्स बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों 6 महीने के अंदर है कोई तैयार हो जाए? अरे सर, घंटा 1 साल लग जाता है बंदे को रनिंग पास करने के लिए, तैयारी करने के लिए, 5.5 मिनट का टाइम लाने के लिए, 1600 मीटर में 5 मिनट लाने के लिए इसको 1 साल लग जाता है। आप 6 महीने में जवान तैयार कर दो, वाह बढ़िया है, अच्छा है। दूसरी चीज़ है, आपको जो है ये एग्ज़ाम जो है आपने, वो एग्ज़ाम तो आपको किसी भी हाल में करवानी ही है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आपको सोचना ही पड़ेगा। जो ये सब कुछ आपने किया है वो आपको खुद की नज़रों में, आपको खुद को मालूम है कि वो बहुत गलत किया आपने, वो उचित नहीं है, ठीक है। बाकी जो लड़कों का जो है अब जो बिहेव होगा, अगर आपने उनके लिए नहीं सोचा तो ये बहुत खतरनाक होने वाला साबित होने वाला है, क्योंकि जो माहौल है जो लड़कों की तरफ से उनका करना और उनका जो कुछ ये सब कुछ मांग करना, ये बिल्कुल जायज़ है। वो अपना हक की चीज़ मांग रहे हैं, वो कुछ गलत नहीं। आपने 2019 के अंदर जो फार्मर आए थे आर्मी के लिए, तो आपने उसको भी कैंसिल कर दिया, नए फार्मर हुए। उस दौरान भी कई बच्चों है जो है ओवर एज हुए, उनमें से एक मैं भी रहा हूँ, उस समय भी आपने किया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद में आपने भर्तियाँ स्टार्ट करी, भर्तियाँ करवाई, अपने फिजिकल करवाया, मेडिकल हुआ सब बच्चों का, उनका बेचारा वो 1 साल से 1.5 साल से एग्जाम के लिए पीछे पीछे रिटर्न के लिए वेट कर रहे हैं, और अब लास्ट में जाकर आप बोलते हो बोले नहीं ये सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट करें, घंटा फिर मतलब क्या है ये बताओ आप तो। हाँ फिर ये 1.5 साल ठीक है, वो भी चलो ठीक है, हो गया कोई बात नहीं, आप एग्जाम भी कैंसिल कर रहे हो, ऊपर से आपने अभी टीओडी जो लागू की है उसका मुझे कोई तो सारांश बताओ। आपकी अपने उसमें एज क्राइटेरिया है वो आपने 17.5 से 21 साल रखा है। अब जो बंदा 2 साल से एग्ज़ाम का वेट कर रहा है बेचारा, वो तो 22-23 साल का हो चुका है, वो ना तो इस तरफ करा ना इस तरफ करा, वो जाए तो जाए क्या और करे क्या? हाँ उसके लिए कुछ सोल्यूशन है आपके पास में? है कुछ जवाब उसके लिए, उस लड़के के लिए? और उसके दरमियान तैयारी के दरमियान, एग्ज़ाम की तैयारी के दरमियान, फिजिकल के लिए लड़कों ने अपना कितना पैसा बर्बाद किया होगा, अकेडमी में जाके, अकेडमी सोलो तैयारी करने के चक्कर में, अकेडमी में जाके तैयारी करने के चक्कर में कितना पैसा बर्बाद किया होगा, कितनी उनकी जो है वो गई, कितने टाइम उनका वेस्ट हुआ होगा। कर सकते हो उसकी भरपाई आप? अगर कर सकते हो तो बताओ उसकी भरपाई कर सकते हो आप? नहीं ना, तो कुछ तो सोल्यूशन दो आप। तो बिल्कुल नियत्ते कर दिए लड़कों को, कोई मतलब ही नहीं रहा उनका, ऐसे बनाओगे आप यूथ मजबूत? लग तो नहीं रहा आप देश की नींव मजबूत कर रहे हो, लग रहा जो नींव मजबूत हो रखी है उसको भी वापस बाहर निकालने की सोच रखा आप तो। आपने तो आपसे एक ही विनती है, सोल्यूशन चाहिए, सुनना कुछ भी नहीं है, कोई संभावना किसी प्रकार की संभावना नहीं चाहिए, किसी प्रकार का कोई होनी चाहिए। आप वो लगता है वो चीन वाले हरकत करना चाहते हो, वो जो 4 साल की सैनिक है, 4 साल में एक सोल्जर तैयार करना पॉसिबल नहीं है। एक सोल्जर को तैयार हो, एनडीए में सोल्जर तैयार होता है, उसको भी 3 साल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, 3 साल वो करता है वॉरिंग के लिए, वॉर ट्रीटमेंट के लिए भी बंदे को माइंडली फिजिकली तो सब तो भी उसे तैयार करना पड़ता है, तब जाके वो अच्छी तरह से तैयार हो पाता है। और आपके तो बोले 6 महीने की ट्रेनिंग में और 4.5 साल सर्विस करके वो फौजी तैयार, और तो फिर आप उसको 4 साल बाद में 3 साल बाद में वो क्या करेगा? 6 महीने की ट्रेनिंग के अंदर वो ट्रेनिंग में इतना मेच्योरिटी उसने नहीं आ पाएगी कि वो 3 साल में अपने जंग लड़ने के दरमियान वो कर सकता है। उसके दिमाग में 3 साल वही चलेगा क्या कि अब मेरे को 4-3 साल बाद मेरा क्या हुआ, 3 साल में मेरा क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सोल्यूशन चाहिए। ये है मेरी प्यार से बात करी वीडियो, जो भी अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी, और भाई मेरे रिक्वेस्ट है, आपने उन्होंने बोला था आप अपने अपने सारे जवाब मेरे को चाहिए 15-15 सेकंड की, आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर मेरे दे रहा हूँ, 15-15 सेकंड की एक व्हाट्सअप वीडियो क्लिप करके मेरे को सेंड जरूर करना, जो मेरे सपोर्ट में है। सपोर्ट नहीं चाहिए किसी चीज़ का तो आप लड़ो।
और हक की लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए जरूरी नहीं है आक्रोश, आक्रोश में मत आओ, यहाँ से लड़ो ठीक है, दिमाग से लड़ो ठीक है। अगर लगे तो आप अपने अपना जो भी एक्सपीरियंस है, जो अपनी अपनी बात है, मेरे को शेयर कीजिए ठीक है, हम आगे जरूर इस पर चर्चा करेंगे। और अगली जो वीडियो मेरी रहेगी वो भाई आपसे विनती है, जो भी हमारी सुन रहे हैं ठीक है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है हमारी, अगर आप प्यार से सब कुछ करें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर प्यार से नहीं तो फिर जो कुछ होगा उसके जवाबदार और उसमें सारी गलती जो है वो आप ही की रहेगी। जय हिंद, राम राम।